हैदराबाद के ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद की बड़ी जीत, चेन्नई की टीम दिखी थोड़ी ऑफ बीट। हाँ जी दोस्तों, कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग वर्सेस हैदराबाद मैच में हैदराबाद ने की बड़ी जीत अर्जित, और चेन्नई सुपर किंग किसी भी डिपार्टमेंट में कल मैच में दिखी नहीं। काफी बढ़िया परफॉर्मर सनराइजर्स हैदराबाद से। तो मैच की शुरू से बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 165 रन ही बनाए सिर्फ अपने 20 ओवर में। काफी बढ़िया बॉलिंग सनराइजर्स हैदराबाद के सभी बॉलर से देखने को मिली, खासकर भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस से काफी बढ़िया गेंदबाजी। अजिंक्य राणा ने एक अच्छी पारी खेली और शिवम दुबे ने 45 रन की पारी खेली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रविंद्र जडेजा अंत में खड़े हुए थे पर अपनी टीम को वो फिनिश नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद थी। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आए, दो बॉल खेली पर एक ही रन बना सके और काफ़ी स्लो पिच लग रही थी और 165 रन बना पाई चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करते हुए। तो 166 रन का पीछा करने उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और क्या तूफानी स्टार्ट दिया अभिषेक शर्मा ने। 12 बॉल में 37 रन की पारी खेल दिया अभिषेक। 12 बॉल में 37 रन की पारी खेलकर पावर प्ले में ही चेन्नई सुपर किंग को मैच से बाहर कर दिया अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर पर ट्रेविस हेड ने बढ़िया पारी खेली और एडम माकलम वन डाउन बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने भी 50 जड़ दी और आसानी से यह मैच हैदराबाद के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। पहले 10 ओवर काफी डोमिनेट किए सनराइजर हैदराबाद ने, उसके बाद चेन्नई के स्पिनर्स ने थोड़ा शिकंजा कसा पर यह मैच आसानी से जीत लिया। सनराइजर हैदराबाद ने 19वें ओवर में मैच जीता और एक बड़ी जीत हैदराबाद के नाम। तो हैदराबाद 4 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है, वहीं चेन्नई सुपर किंग भी आखिरी 2 मुकाबले हार चुकी है और 4 में से 2 ही चेन्नई सुपर किंग जीती है। तो ये टेबल काफ़ी खुलती जा रही है, अब काफ़ी बढ़िया हो चुके हैं सभी मैचेस बढ़िया चलते हुए। 4 में से 2 मैच चेन्नई सुपर किंग्स, 4 में से 2 हैदराबाद। तो ये थी इस मैच की कुछ समरी और की पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।